गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और ये देखो मम्मी ने नहा लिया है क्योंकि आज है हमारे घर पे पूजा है ना, तो 10-11 बजे के समथिंग पूजा है तो हम और मम्मी दोनों उठ गए हैं। मम्मी तो शायद 5 बजे की उठी हैं, मम्मी रेडी हो रही हैं एंड अभी मैंने नहीं नहाया है, उसके बाद मैं नहाऊँगी थोड़ा सा घर का काम निपटा के। तो मम्मी नहा धो के रेडी हो गई हैं, कुछ लोग घर में सो रहे हैं, पापा चले गए हैं घूमने के लिए एंड थोड़ा सा कुछ सामान भी लेना था जैसे फूल दुआ पूजा वैसा। मम्मी दुआ का नहीं मिला पापा से? अरे वो तो फूल लाएंगे तो ले आएंगे, उसमें मिल जाएगा। हाँ, दिवाली के टाइम पे तो मिल जाता है, वैसे नहीं मिलेगा ना? नहीं वैसे ही पूजा का तो हमेशा मिलता। अच्छा, तो पापा कुछ घूमने भी गए हैं, वैसे पापा रोज जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो बस दुआ तो मंदिर ही पे मिल जाएगी। हाँ ठीक है, तो चलिए लग जाते हैं काम पे। आज काम बहुत ज़्यादा है और आज है भाई दूज बिना भाइयों के हमारे भाई दूज बनेगी और इनकी भी बिना बहन के भाई दूज बनेगी हमारे यहाँ भाई दूज पे टीका होता है और ना गोबर से वो रखे जाते हैं, दूजें रखी जाती हैं, बट यहाँ तो इतना कुछ नहीं हो पाता है। जब गाँव में रहते तो गाँव में सारी चीज़ें होती हैं। मम्मी तो ये देखो रेडी हो गई हैं, अब फटाफट से काम मैं निपटाती हूँ और फिर मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। जल्दी करो यहाँ। तो ये देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं बिल्कुल 6:30 एंड देखो रेडी हो गई हूँ मैं एंड मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो पूजा का भी सारा सामान बन गया है और मम्मी ना मंदिर पे चली गई हैं क्योंकि घर में नहीं है पूजा, पूजा है मंदिर पे। मम्मी सारा सामान लेके चली गई है एंड मैं भी जाती हूँ। तो बस अभी निकलते हैं और यहाँ पे मैंने ना खीर के लिए चावल रख दिए एंड यहाँ पे छोले की सब्जी बना दी है और पूड़ी वगैरह बाद में बनाएंगे, तो खाने पीने का भी थोड़ा बहुत बन गया है एंड फिर हाँ। और अब चलते हैं मंदिर पे एंड पूजा स्टार्ट होने वाली है क्योंकि 11:30 का टाइम हो रहा है। आप मंदिर वाला रेडी कर रहा है तो भाई रुद्राक्ष लेने आया हुआ है मुझे। अरे चाची घर पे रहेंगी, ठीक है, वो कोई है नहीं ना घर पे, घर पे कौन रहेगा फिर, आप घर पे रुक जाओ, चाची चलेंगी मंदिर, ठीक है, चाची घर पे रहेंगे, अपन चलते हैं, रुको हम गैस बंद कर। ओम पुनर्निष्ठा मति संपूज्यो सर्व उपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। उसमें हाथ लगा दे अग्नि में, उधर हाथ लगा दे इसमें, कुछ कुछ दक्षिणा दे दो, दे पापा को 10 करोड़ रुपए। इधर बने
दे दो मम्मा को दे दो। मिठाई भी रख दो ना लड्डू। पैसे का कोई लोभ नहीं है उसको अभी। आशीर्वाद भी दूंगी। ओम चतुर्वाणी के फूल में रोली चावल लगा कुंड का पूजन करें। ओम चतुर्वाणी के सामने पुत्र सामने से घुमा था उनका प्राण को स्वाहा को हरि मात्र का नाम उच्चारण थे गदा के पानी समर में आओ नहीं। ओम प्रजापते स्वाहा कलाबा बनवा लो पंडित जी से, पैर भी छूना और ठीक है। खाते हैं पूजा भी हमारी हो गई है। फ्रेंड अभी आएंगे पंडित जी खाना खाने के लिए, तो उनको खाना खिलाना है। खाना रेडी करते आ गया ये ना ये। तो अभी ना खाना पीना हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे फिर से, क्योंकि अभी कथा हुई है एंड उसके बाद होने थे सुंदरकांड होना था, तो अभी सुंदरकांड होने के लिए मम्मी चली गई है एंड खाना वगैरह खा लिया है, तो चलते हैं। और टाइम हो रहा है, अभी शाम के बज रहे हैं 5, तो पापा भी आ गए हैं एंड अभी सुंदरकांड स्टार्ट होगा, तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। फास्ट था मेरा और इनका, तो हम दोनों पूजा में ही बैठे हुए थे इसलिए खाना नहीं खाया था एंड अब चलते हैं। हमारी पूजा हो गई है, सुंदरकांड हो गया एंड पूजा हो गई है, तो अभी पंडित जी सारा सामान उठा रहे हैं यहाँ से, तो क्योंकि रात भी हो गई है। ये देखो मिस्टर जी इत्र दे रहे हैं मुझे है गैया को। अच्छा पंडित जी ने पूरा यहाँ साफ कर दिया क्योंकि यहाँ पे ही मंडप डाला हुआ था पूजा के लिए। मम्मी कर रही है मंदिर की सफाई। पूजा वगैरह सब हो गई है, सारी साफ सफाई कर दी एंड अब हम लोग जा रहे हैं घर। हमारे पास थोड़ा सा सामान है ये, यहाँ पे रुद्राक्ष केला है एंड मम्मी थोड़ी सी आंटी से वादा कर रही है। बस हो गया हमारा आज का प्रोग्राम। बाबू जल्दी आओ, आ जाओ। ये देखो पीछे लाइट ही लाइट जगमगा रही है। फाइनली आज हमारा पूजा पाठ वाला काम ना ख़त्म हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रही थी मम्मी अब करवाएंगे लेकिन ना अब टाइम मिल पाया तब जाके करवा पाए, क्योंकि वही है ना सब लोग आ पाते फिर ऐसे काम तभी हो पाते हैं। तो पूजा पाठ का काम हो गया है और कल हम लोगों को फिर निकलना भी है, तो सोचा जाने से पहले काम भी करते जाएं।